आप लोग टीवी चैनल पर जब कोई चीज़ दिखा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप पूरे फैक्ट्स को बोलिए। पहला फैक्ट ये है कि 1991 में ही ये इसी पॉइंट्स पर, इसी मुद्दों पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। वो क्या, वो स्टे वेकेट हुआ। आप अक्टूबर 2021 में ये पांच नए पिटिशनर्स कोर्ट को जाते हैं, वही सेम डिमांड उनका, और ये बोलते हैं कि हम सर्वे चाहते हैं और हमको ये कमिश्नर होना। जो 91 में स्टे दिया गया था, इसी बार डिमांड के ऊपर कोर्ट ने बोला नहीं, आप जाकर लोअर कोर्ट जो है ऑर्डर दे देता है। तो हमारा बोलना है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। और दूसरी बात, प्लीज़ समझिए कि हम, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कह रहा हूँ कि हमने पार्लियामेंट में कानून बना दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस है उसको वैसे ही बरकरार रखेंगे, नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। आप मेरे को बताइए, सर्वे क्यों किया जा रहा है फिर? सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में ये भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर FIR बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर FIR बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें पांच जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का, बिल्कुल गलत फैसला है। द कमेटी हैव राइटफुली गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड रेफर्ड दिस मैटर टू ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ एंड आई एम श्योर दैट द सुप्रीम कोर्ट विल हियर what that side had to say, but as far as I am concerned, this is my opinion, my party's opinion, and also by doing such things, you are taking the country back to the era where we had faced bloodshed, communal riots, that era of late 1980s, pre-demolition and post-demolition. This is an issue which I had voiced my apprehension when the Babri Masjid judgment had come, civil judgment has come. I had said that my apprehensions are, you please look at the press conference of mine, that tomorrow everyone will say this is our Aastha. This country cannot be run on the basis of Aastha. This country has to be run on the basis of rule of law, the constitution of India. Because your Aastha, my Aastha, then what will happen to the rule of law? What will happen to the constitution of India? Dekhiye, राहुल गांधी कैसे हार गए? अमेठी राहुल गांधी हारे ना, मेरी वजह से हारे। अरे सुनो, आप यहाँ वहाँ की बात मत करो। आप वहाँ पर क्यों हार गए अमेठी को? मैं तो नहीं था वहाँ पर, अमेठी हार गए आप। आपके यहीं के MLA भाग गए बीजेपी में, मेरे से पूछ के गए। कर्नाटक में भाग गए बीजेपी में, राजस्थान में भाग गए, मध्य प्रदेश में तो सरकार गिर गई, कर्नाटक में सरकार गिर गई। आपकी वजह से बीजेपी सरकार कर्नाटक में बनी, मध्य प्रदेश में बनी। और एक बात सुनिए, 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव हुआ, आप तीनों स्टेट जीते ना कांग्रेस ने। और आप जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, आप सिर्फ एक लोकसभा जीतते। राजस्थान का मुख्यमंत्री का बेटा हार जाता, मैं लड़ा क्या वहां पर? ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। मैं भारत की लोकतंत्र में, मुझे अख्तियार है कहीं भी इलेक्शन लड़ने का। आप क्या समझ रहे कि मुसलमान गुलाम है आपका? आपके मुसलमान को क्या यरगमाल बना के रखे, होस्टेज बना के रखे क्या आप? हम लड़ेंगे मुद्दों पर और उन पर छोड़ेंगे जनता के ऊपर, किसको वोट डाले ना डाले। आप मेरे खिलाफ नहीं लड़ते हैदराबाद में इलेक्शन, लड़ते ना मेरे खिलाफ तो राहुल गांधी आके कैंपेन किए, दो दिन गुजारे वहां पर। मैं क्या रोया क्या छोटे बच्चे की तरह, क्यों आए बोल के? है ये रोना छोड़ो, मम्मी डैडी का जमाना खत्म हो गया, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है।
आप राजनीति को एंटाइटलमेंट के नाम पर चलाना चाहते कि हम फुला परिवार है। अरे भाई, तुम्हारा ये परिवार संघ परिवार से भी जरूरत नहीं है हमारे को, तो ये चीज है। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।